हेलो फ्रेंड्स, वीडियो कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पैकेट के गुलाब जामुन बनाना बताएंगे। तो ये श्री हरि का गुलाब जामुन का पैकेट लिया है, जो आपको मार्केट में आराम से कोई भी शॉप पर अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको अब हम एक साइड से वन साइड से ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको ओपन करके इसका जो पाउडर होता है वो निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसको ओपन कर लेना है और इसका किसी बर्तन में इस तरीके से जो पाउडर है वो निकाल लेना है। तो देखिए, और इसमें हम एक चम्मच के लगभग घी ऐड कर रहे हैं, देसी घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसमें एक चम्मच घी ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी तरीके से हम इसको अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो घी है हमारा वो अच्छे से पूरे पाउडर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छे से वो मिक्स हो चुका है। तो हम अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से एक जैसे आटा भिगा कर डो बनाते हैं, उसी तरीके का डो बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम इसको भिगा लेते हैं पूरे को। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का हमें कर लेना और इस तरीके से जिस तरीके से हम आटा भिगाते हैं उसी तरीके से इस तरीके से हमें करते हुए इसको अच्छे से सॉफ्ट डो बना लेना है। हमें हार्ड नहीं बनाना है, हल्का सा सॉफ्ट ही बनाना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके का बनाकर हम कुछ मिनट टाइम के लिए इसको रख देते हैं। तो फ्रेंड, जब तक हम चाशनी बना लेते हैं, जिससे ये हमारा जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने बर्तन रख दिया है भगोनी। तो इसमें हम एक कटोरी पानी डालेंगे पहले, तो और इस पानी को हम अच्छे से थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से हम पानी को अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें हम जिस कटोरी से हमने पानी ऐड किया था उस कटोरी से हम इसमें डेढ़ कटोरी के लगभग हम इसमें शक्कर ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, हमने डेढ़ कटोरी शक्कर डाल दी है इसमें और इसको अच्छे से घुलने तक इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें चलाते रहना है जब तक इसकी शक्कर घुल ना जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको चलाते हुए इसकी शक्कर अच्छे से घुल जाएगी, जब तक इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी शक्कर अच्छे से घुल चुकी है और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। चाशनी को हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तार वाली चाशनी बनाएंगे तो हमारे रसगुल्ले की चाशनी रसगुल्लों पर जमने लगेगी, तो इसलिए हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो इसी तरीके से होने देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जब तक हमारा जो हमने डो बना कर रखा था वो अच्छे से हो चुका है, तो इस तरीके से तोड़कर हम इस तरीके से इसके रसगुल्ले बना लेते हैं। जब तक एक तरफ हमारी चाशनी हो रही है, दूसरी तरफ हम रसगुल्ले बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से लंबा कर लेना है और इसको एक जैसे साइज़ में तोड़ लेते हैं, जिससे कि हमारे सारे रसगुल्ले एक जैसे ही साइज़ के बनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरीके से हमने सारे तोड़ लिए हैं और इसको हल्का सा पुश करते हुए इस तरीके से हमें गोल गोल रसगुल्ले बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सॉफ्ट रसगुल्ले बनकर रेडी होंगे हमारे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमें इसको बनाकर रेडी कर लेना है। देखिए, हम आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल चिकना होना चाहिए, कहीं से भी फटा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं यहाँ से भी फटा होगा तो हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जब तक आपको चाशनी दिखा देते हैं, तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। हमें ताइनी बनाना है, इस तरीके की चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। तो आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी किस तरीके की चिपचिपी हमें केवल चाशनी बनानी है, तार तो बिल्कुल नहीं बनाना। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ हमने सारे रसगुल्ले बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमने तेल रख दिया है और इसमें हम रसगुल्ले डालते हुए फ्राई करने हैं। इनको भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरीके से चलाते हुए हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, तो ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका कलर चेंज होने तक हम अच्छा सा ब्राउन कलर होने देते हैं। देखिए इस तरीके का, जिससे कि लग रहे हैं ना बिल्कुल
बाजार जैसे, मार्केट जैसे रसगुल्ले, तो इसी तरीके पे इसी स्टेज पर हम इनमें से तेल में से इनको निकाल लेते हैं और इनको हम चाशनी में डालेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे रसगुल्लों को निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जिसमें तेल भी ना आए और इस तरीके से अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इनको हम डायरेक्ट चाशनी में ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको चाशनी में ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जिससे कि इनमें चाशनी अच्छे से भर जाएगी। तो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ रसगुल्ले बनकर रेडी हुए हैं हमारे। तो हम आपको अभी दिखाएंगे तो किस तरीके के हमारे रसगुल्ले बनकर एकदम परफेक्टली रेडी हुए, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसे, जैसे आप मार्केट से ले लो या घर पर बना लो, बहुत ही टेस्टी एंड स्मूथ। देखिए फ्रेंड्स, सारे रसगुल्ले बना लिए हैं, तो हम आपको तोड़कर दिखा देते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट है, पूरे में चाशनी भर चुकी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।